सांसद बालू धानोरकर ने सांसद शरद चंद्र पवार उद्योग मंत्री सुभाष देसाई की भेंट ली। चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र में नए उद्योग लाने के लिए सांसद बालू धानोरकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल प्लांट व टेक्सटाइल पार्क के लिए कर रहे उनके प्रयासों को सकारात्मक प्रतिसाद मिल रहा है। मुंबई में सांसद शरद पवार, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, विधायक प्रतिभा धानोरकर, विदर्भ MIDC अध्यक्ष मधुसूदन रोंगटा इनकी उपस्थिति थी। जिले में उद्योग के चुनाव के बारे में सांसद बालू धानोरकर इनके पुढ़ाकार से यह बैठक हुई। जिले में रोजगार की निर्मिति होने के लिए उद्योग धंधे की आवश्यकता है। आर्थिक सुविधा आने के बाद इस भाग का सर्वांगीण विकास होना मुश्किल है। उस मुताबिक पिछले वर्ष भर से सांसद बालू धानोरकर और विधायक प्रतिभा धानोरकर यह दंपत्ति जिले में नए उद्योग लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले केंद्र व राज्य स्तर के मंत्रियों से निरंतर पाठ पुरावा किया। आज सांसद शरद पवार इनकी मुख्य उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई। राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद शरद चंद्र पवार इनकी और पाठ पुरावा चलाते केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, पीयूष गोयल और राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई इनकी ओर निरंतर पत्राचार और बैठक लेकर प्रयास किए। इससे पूर्व सांसद बालू धानोरकर ने जिले में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की मांग लोकसभा में भी की थी। सांसद बालू धानोरकर इनके प्रयासों को सफलता मिलते देख आज सांसद शरद पवार इनकी उपस्थिति में महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। शरद पवार ने राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई इन्हें चंद्रपुर में इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल प्लांट स्थापित करने बारे में आवश्यकताओं की जांच करने की सूचना की। साथ ही जिले में उद्योग निर्मिति में राज्य सरकार की ओर से संपूर्ण सहकार्य करे ऐसा बताया। तो टेक्सटाइल पार्क संदर्भ में मांग के बारे में दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक लेने का ठहराया। चंद्रपुर बनी आर्णी लोकसभा क्षेत्र आदिवासी बहुल है। इस भाग में कपास का उत्पादन बड़े पैमाने पर लिया जाता है, उसी के साथ धान सोयाबीन यह फसल प्राधान्य से ली जाती है। यहाँ के कपास उत्पादक किसानों को भी टेक्सटाइल पार्क से अच्छे दिन आ सकते हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल प्लांट के माध्यम से युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध हो सकता है। दौरान सांसद बालू धानोरकर ने सांसद शरद चंद्र पवार इनकी मुख्य उपस्थिति में लिए बैठक से जिले में नए उद्योग निर्माण होने की हलचल को तेजी मिली है।